हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे माचिस बम होते हैं उनके अंदर क्या होता है। तो जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा माचिस बम का डब्बा है और मैंने इसलिए पेपर इसे रखा हुआ है क्योंकि जो भी बारूद गिरेगा वो इस पेपर को भी गिरे। और यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ओरिजिनल और यहाँ पे K0201 और लेपर्ड किंग और भी इसके लिखा हुआ है। और यहाँ पे HW लिखा हुआ है, यहाँ पे लेपर्ड किंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है जो पीछे लिखा हुआ था। और यहाँ पे इनकी फोटो बनी हुई है, पता नहीं इनकी फोटो यहाँ पे क्यों बनी है, मुझे नहीं पता है सब कुछ। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और उसके लिए लेंगे हम यूज अपने इस ब्लेड का जिसकी मैंने आपको पिछले वीडियो दिखाई थी। तो पहले हम इसके ऊपर की ये जो पॉलिथीन है इसको हटा लेते हैं कुछ इस तरह से। हम इसी पॉलिथीन को भी साइड रख देते हैं। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और हमें इसके अंदर कुछ इस तरह की डब्बियां दिखेंगी। और ये पूरी पूरी 10 डब्बी हैं जैसा देख सकते होंगे क्योंकि एक एक रो में 2 डब्बी हैं। तो और ये 1 2 3 4 5 तो ये पूरी पूरी 10 डब्बी है। तो अभी हमने से एक रैंडमली किसी एक को उठा लेते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको उठा लिया। अब इसके ऊपर भी वो सेम रैपर लगा हुआ है तो पहले हम इसको यहाँ से इसको काट देते हैं इसके रैपर को। तो इससे आपको पता भी चल रहा होगा कि हमारे इस ब्लेड की कितनी ज्यादा तेज धार है। हम लोगों ने इसके ऊपर की पॉलिथीन हटा दी है, अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और इस बॉक्स को भी हम साइड में रख देते हैं। अब हमने पेपर को इसके अंदर जाते हैं और अब हम जब इसको इस जगह से ओपन करेंगे तो हमें इसके अंदर कुछ इस तरह के बॉम्ब दिखेंगे। हम इन्हें माचिस बॉम्ब कहते हैं और ये पूरी एक डब्बी के अंदर 100 होते हैं। और हमें यहाँ पे इसके इसको माचिस जलाने के लिए मिलता है। हम इसके रेड वाले पोर्शन से इसको ऐसे करके ऐसे इरेज करते हैं और फिर इसमें आग लग जाती है और फिर ये 2-3 जगह पड़ जाता है। चलिए अभी हम इसको खोल देते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको आधा काट देंगे इस वाले ब्लेड की हेल्प से। तो जैसा देख सकते होंगे कि ये कट गया है और इसके अंदर हमें दो कुछ व्हाइट व्हाइट तरह का कुछ चौक की तरह कुछ दिख रहा है। हम इसको जॉक को भी फिर दबा के देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो जैसे देख सकते होंगे कि यहाँ पे कुछ चौक की तरह गिर रहा है। तो अभी हमें इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बारूद भी नहीं है। तो हम इसको आगे से इसको ऐसे दबा के देख लेते हैं। ये देखिए ये बहुत आसानी से दब गया है और इसके अंदर हमें सबसे पहले कुछ रेड कलर का बारूद दिख रहा है। और जब हम अपने माचिस बम पे आग लगाते हैं तो सबसे पहले इस रेड वाले बारूद पे आग लगती है। जैसे हमारी माचिस के अंदर सबसे जो रेड वाला पोर्शन था उस पर आग लगाई जाती है। उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ ब्लैक कलर का बारूद मिलता है, फिर हम इसके अंदर फिर ये इसके अंदर आग लगती है। उसके बाद हम लोग जब इसके अंदर देखते तो हमें कुछ इससे छोटा शाइनी तरह का बारूद दिखता है, देख सकते होंगे। देखिए हमें ये थोड़ा शाइनी तरह का बारूद मिलता है इसके कंपैरिजन में। देखिए थोड़ा डार्क और ये थोड़ा शाइन कलर का है। और आप जो जौन था बारूद सबसे शाइनी होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा बारूद होता है। तो मतलब कि सबसे पहले ये इस पर आग लगती है, फिर ये इसको लगाता है, फिर ये फट जाता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अब हम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल खोखला हो गया है। और तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।